नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। यूपी में फैली हुई है त्राहिमा। लोग घर से निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, या कहना गलत नहीं होगा कि यूपी अब चंबल बनता जा रहा है। जहां केवल डाकुओं का बोलबाला था, वैसा ही कुछ नजारा राष्ट्र के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां बदमाशों और लुटेरों का बोलबाला होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए अपराध को रोकना सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है, लेकिन वो तो आंखों में धूल डालकर सो रहे हैं। ना उनसे प्रदेश संभाली जा रही है और ना सुरक्षा व्यवस्था। अपराधी अपने बुलंद हौसलों से बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन व्यवस्था को बार बार खुली चुनौती मिल रही है। लगता है अब बदमाशों ने फैसला कर लिया है कि यूपी को उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि उत्तम आपराधिक प्रदेश बना कर रहेंगे। बढ़ते हुए अपराधों में राजधानी लखनऊ सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके में स्थित अलकनंदा अपार्टमेंट में गुरुवार दोपहर प्रशांत सिंह नाम के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक प्रशांत को चाकू से तब तक गोदा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। प्रशांत का बीबीडी के कुछ सीनियर स्टूडेंट से विवाद हुआ था। पुलिस ने जांच के दौरान 5 अपराधी को हिरासत में ले लिया है। वहीं बेखौफ बदमाशों ने चौक के नेहरू क्रॉस स्थित कमला पसंद गुटखा के थोक व्यापारी की दफ्तर में घुसकर लूटपाट की है। विरोध करने पर बदमाशों ने एक कर्मचारी को गोली मार दी और रुपयों से भरा बैग लूट कर ले गए। सोचिए कि सिर्फ 3 मिनट में वारदात को अंजाम देकर बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकलते हैं और पुलिस सिर्फ हाथ मलते हुए खड़ी रह जाती है। राजधानी लखनऊ में लगातार अपराध होते चले जा रहे हैं। बीते 18 फरवरी को मड़ियाओं में 5 माह की मासूम के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं 19 फरवरी को सुल्तानपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी, जहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 3 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या करके रोड पर फेंक दिया था। वहीं अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ से सटे हुए जनपद सीतापुर की, तो वहां 18 जुलाई 2019 में सबसे बड़ी घटना सामने आई थी, जहां जमीनी विवाद के चलते 10 लोगों की हत्या और 25 लोग जख्मी हो गए थे। घटनाओं के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। शायद अब यह कह सकते हैं कि योगी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ रिबन काटने में ही अपना ध्यान दे रही है, उन्हें यूपी से कुछ लेना देना नहीं है। लाइव 24 न्यूज के लिए पूजा झा की ये रिपोर्ट। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।